आपको भी वेट लॉस करना है लेकिन आप अक्सर सोचते हैं कि मैं डाइट में क्या खाऊं और स्पेशली ब्रेकफास्ट में, तो आज हम इसका सलूशन लेके आए हैं क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जो कि आपको अपने ब्रेकफास्ट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए जिससे आपका वेट लॉस जो है वो चुटकियों में हो जाएगा। तो पहला फूड आइटम जो है वो हमारे सारे नॉन वेजिटेरियन फूड लवर्स के लिए है। मैं बात कर रही हूँ अंडों की, यानी कि एग्स। अक्सर हमने देखा है कि वेट लॉस के टाइम कई लोग जो है अंडे का बीच वाला येलो पोर्शन जो है वो हटा देते हैं और सिर्फ एग वाइट्स कंज्यूम करते हैं। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दरअसल एक पूरा अंडा, होल अंडा, इसमें कई सारी मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ साथ इसमें कई सारी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप पूरे अंडे को एक साथ कंज्यूम करें। वेल, आप इसकी क्वांटिटी जो है अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत जो है वो एक हैवी प्रोटीन रिच डाइट से होनी चाहिए। तो अपने डाइट में जो है अंडे ज़रूर इंक्लूड करें। वो कहते हैं ना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। वही दूसरा फूड आइटम जो आप ब्रेकफास्ट में रेगुलरली खा सकते हैं वो है योगर्ट। वेल, दही और योगर्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप योगर्ट को कंज्यूम करेंगे, स्पेशली ग्रीक योगर्ट को कंज्यूम करेंगे, तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में फाइबर होते हैं जो कि वेट लॉस जर्नी में काफ़ी मदद करते हैं। साथ साथ ग्रीक योगर्ट में जो है भारी मात्रा में प्रोटीन भी मौजूद होता है, तो ये लाइट भी होता है, साथ साथ आपको पूरे दिन तक आपका पेट जो है वो भरा हुआ महसूस होता है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया ही नहीं। आप अपने योगर्ट में जो है कई सारे नट्स और फ्रूट्स के साथ उसको इन्फ्यूज करके एक अच्छा सा बोल बना सकते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को इंजॉय कर सकते हैं। वेल, थर्ड फूड आइटम जो आपको अपनी ब्रेकफास्ट डाइट में ज़रूर से ऐड करना चाहिए वो है ओट्स। वेल, यस, ओट्स जो है इसमें काफ़ी भारी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स की भी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। तो आप इतना ही नहीं, आप ओट्स को जो है कई सारे अलग अलग तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ओवरनाइट ओट्स। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओट्स को रात में आलमंड मिल्क या फिर योगर्ट के साथ कुछ सीड्स एंड नट्स के साथ इन्फ्यूज करके एक अच्छा सा शेक देकर रख देना है और नेक्स्ट डे आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रेश कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ओट्स की वेजिटेबल खिचड़ी भी बना सकते हैं। वही चौथा फूड आइटम विच इज अ मस्ट मस्ट इन एवरी ब्रेकफास्ट टेबल इज चिया सीड्स। वेल, ये सीड्स इतनी ज़्यादा फाइब्रस होती हैं, साथ साथ ये छोटी सी दिखने वाली सीड्स में काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटीन भी होता है और ब्रेकफास्ट का जो मेन मकसद होता है, फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, तो इट शुड बी प्रोटीन पैक्ड। तो इसलिए आपको चिया सीड्स आप अपने किसी स्मूदी या फिर योगर्ट किसी में भी डाल के खा सकते हैं। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बस एक ग्लास पानी में एक चम्मच चिया सीड सोख करके रख दें और चाहे तो आप इसमें लेमन, हनी, कुछ फ्लेवर डालने के लिए ऐड कर सकते हैं। वेल, आप इसको कंज्यूम करेंगे तो इससे आपकी ब्लोटिंग के इश्यूज, साथ साथ हाई फाइबर कॉन्टेंट की वजह से वेट लॉस जर्नी में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं पांचवा और आखिरी फूड जिसे आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं वो है स्मूदी। वेल, ये स्मूदी फ्रूट्स की भी हो सकती है और ये स्मूदी वेजिटेबल्स की भी हो सकती है। वेल, ये एक प्रॉपर पैक्ड मील होता है जो कि आपको दिन तक काफ़ी समय तक जो है फुलफिल्ड रखता है। तो अगर आप ग्रीन स्मूदी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप कोई भी मार्केट में मिलने वाले सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, केल, दूधी, लौकी, इन सारी चीज़ों को एक मिक्स ऐड ऑन करके एक इसका अच्छा आप जूस बना सकते हैं। साथ साथ इसमें आप काफ़ी सारे नट्स को ऐड करिए, सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इन सबको आप ऐड करेंगे कि वो एक ही पावर पैक्ड प्रोटीन रिच फाइबर रिच मील बन जाता है। वही फ्रूट स्मूदी जैसे कि बेरीज की स्मूदी, वही बनाना स्मूदी आप बना सकते हैं, इनको भी आप काफ़ी सारे नट्स और साथ साथ सीड्स के साथ खाएं। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल होंगे। वहीं ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट Trends9 पर लॉग ऑन कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।